आखिरकार यार मैं इंडिया एंटर होने वाला हूँ। ओ माय गॉड यार, ओए होए, बाप रे बाप, क्या हुआ अचानक? लोगों ने मदद की है। रुक जाइए एक मिनट, मैं आपको ये चप्पल दे देता हूँ, रुक जाइए। जय बजरंग बली की दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अनिरुद्ध रोयल, ऑल इंडिया साइकिल राइडर, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। मैं बता दूं, जैसे ही मैंने इंडिया एंटर किया तो मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो मैं बता दूं ये भी बात आपको कि जहाँ तक हो सके हमें औरों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये फिर ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आइए आइए, ये कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो गई है मेरे को। तो मुझे दो भाई मिले हैं, काफ़ी अच्छे लगे, और वो भी मुझे लास्ट टाइम पे। और अब सोच रहे हो मैं अब इंडिया एंटर होने वाला हूँ, और दो भाई मिले, काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने मुझे इस रास्ते में रोका, और क्या कहूँ यार, इन्होंने मेरा और हौसला बढ़ा दिया इन्हें रोक के। मुझे सच में बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग भाई साहब। और आज मैं लुम्बिनी गेट, और ये देख रहे, भारत आपका स्वागत करता है। ओह थैंक यू गॉड, मेरा अच्छा रहा ये ट्रिप, बहुत अच्छा लगा मुझे नेपाल, सच में आई लव इट नेपाल यार। हाय, आखिरकार मैंने 25 दिन नेपाल में ट्रैवल कर लिया पूरा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ तक हुआ सबने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मेरा जो सफ़र है इंडिया का, और आप देख रहे हैं ये जस्ट बॉर्डर है, ककरिया बॉर्डर इसका नाम है, और सामने मेरा इंडिया इंतज़ार कर रहा है। और मैं इंडिया, सच में अब मेरा जो असली राइड है अब वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से अलविदा नेपाल को करने वाला हूँ। सच में नेपाल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, नेपाल में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ताकि मैं इतने दिन अच्छे से ट्रैवल कर पाया। सच में ऑलमोस्ट मैं नेपाल से अलविदा ले रहा हूँ। और ये देख रहे, ये नेपाल का मेरा आज लास्ट, और मैं जा रहा हूँ इंडिया, अपने घर को चल पड़ा मैं। और यहाँ पे बॉर्डर पे चेकिंग वेकिंग हो रही है, और उसके बाद मैं ओके सर करते हैं, अलविदा करता हूँ नेपाल को। और नेपाल को सच में आई लव नेपाल यार, नेपाल में मुझे बहुत अच्छा, सबने प्यार दिया, सपोर्ट किया। और मैं नेपाल इस बॉर्डर से निकल रहा हूँ, और मैं इंडिया को निकल पड़ूंगा यहाँ से। अब मेरा इंडिया ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है कि मैं नेपाल से निकल गया हूँ। सच में दोस्तों, मेरे को नेपाल में इतना ज़्यादा प्यार मिला ना, लगता है कि जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी अब मुझे तो ट्रैवल करना है पूरा, ऑलमोस्ट कवर करना है इंडिया, तो इसीलिए मैं निकल पड़ा। और अब आगे मैं बढ़ चला हूँ अपने इंडिया को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। जा रहा था तो मुझे नेपाल के रुपये तो अब कोई ज़रूरी है नहीं, इंडिया में नेपाल का रुपया तो काम करेगा नहीं, तो बॉर्डर पर ही मैंने चेंज करवा लिया। अपने एक बड़े भाई मिले मुझे, तो बस उन्हीं से मैं ये चेंज करा रहा हूँ पैसे। जैसे ही मैंने इंडिया में एंटर किया तो मुझे एक जगह मिला, एक चौक मिला, जिसका नाम है दुल्हा चौराहा। क्या बात है, अपनी इंडिया की बात ही कुछ और है यार। दुल्हा चौराहा कहीं मिल जाएगा मुझे, दुल्हन चौराहा, इन दोनों का फिर मिलन कराते हैं हम। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। भैया जी रुक जाइए एक मिनट, और देख रहे ना नंगे पैर चल रहे हैं मेन रोड पे, तो मेरे पास तो चप्पल है, मैं इन्हें दे देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी है। रुक जाइए एक मिनट, मैं आपको ये चप्पल दे देता हूँ, रुक जाइए, ये लीजिए आप, ये चप्पल पहनिए, ये लीजिए पहनिए, चप्पल पहन लीजिए। हाँ अब हुआ ना यार, आप ऐसे क्यों चल रहे थे, पैर में पूरा छाला पड़ा हुआ था। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यार, आप ही मैं भी हूँ सच में यार, क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को, जहाँ तक हो सके आपके अगर अंडर में है किसी का मदद करना तो आप कर सकते हैं। तो मैं अपने साथ, जानते हो ना, सारा सामान लेके चला था, और साथ में मैं अपने एक चप्पल मैंने जोड़ी भी लेके चला था चप्पल, तो मैंने इन्हें देखा पैदल चलते हुए, वो भी नंगे पैर इस रोड में, और वो भी देख रहे हो कितना ज़्यादा धूप है। और मैंने बता दूं यहाँ पे आने के बाद बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और अब वो जा रहे हैं वहाँ पे, बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान थे, भले दुनिया इन्हें इग्नोर करे मगर हम, मुझे भी बहुत खुशी हुई यार किसी के हेल्प करके, है ना, आपको इतना ज़्यादा खुशी होगा ना।
लाइफ में इतना ज़्यादा किसी को खुशी नहीं मिलेगा आपको सच में। अब ये चप्पल से जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो खाली पैर थे ना तो मुझे बड़ा दर्द हुआ इन्हें ऐसे जाते। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। वो आ रहे हैं पीछे से। सच में यार, आपको जहाँ तक हो सके आप मदद करिए यार, क्योंकि जानते हैं ना, हम पे तुम पे खुदा। तो बस इतना याद रखे, जहाँ तक आपका हो सके किसी का मदद करना, किसी का हेल्प करना, तो कर देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हिचकिचाना नहीं चाहिए हमें, क्यों करें क्यों ना करें, जो भी है मन में कुछ भी हो तो ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। तो बस दिल से सबका मदद करते आगे बढ़ते देना चाहिए। ऐसे ही मैंने इंडिया में स्टार्ट किया अपना पहला कदम, तो बिल्कुल नीरज भाई मिले मुझे इंडिया के, और आज दिल खुश हो गया मुझे इंडिया का, एक मेरा भाई मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्होंने रोक के, देख रहे हो उनकी गाड़ी कहाँ है, पीछे है, और उन्होंने मुझे रोका और पूछा कहाँ जा रहे हो, और मेरे बारे में पूछा। उन्हें को मैंने बताया मेरा इंडिया ट्रैवल है, और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया। दोस्तों बस ऐसे ही आप सब मिलते रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा ना, तो ऑलमोस्ट मैं ना अच्छे से ट्रैवल कर लूँगा पूरा ऑल इंडिया। थैंक यू यार, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट कर दिया है, और रस्ते में देख रहे ब्लूटूथ मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है। आई लव यू यार भाई, मैं कितना बस इतना ही दुआ करूँगा कि भाई को लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आने दे। गोरखपुर होते हुए यहाँ से, थैंक यू भाई। ठीक है बड़े भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। ठीक है, हाँ भाई साहब, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे बड़े भाई का। ओए ओए, बाप रे बाप, क्या हुआ अचानक इनको। ये अचानक ही सीधा डायरेक्ट इधर चले आए। की किस्मत तो अच्छी थी, ये बच गए, लेकिन मैं बता दूं आप सभी को कि जहां तक हो सके हमें गाड़ी कंट्रोल में ही चलाना चाहिए, नहीं तो ऐसी ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। तो आशा करता हूं कि आप सब अपनी गाड़ी कंट्रोल में चलाएं। काफ़ी रात चलने के बाद, जब रात ज़्यादा हो गई थी ना, तो अंश के जो डैडी थे वो मुझे मिले रात को, और जिन्होंने मुझे घर लेके, ये उनका घर है, और वहीं पे मुझे लाया गया था, और यहाँ पे मेरी साइकिल को भी बहुत अच्छे से सेफ रखा गया, और मैं देन यहाँ अच्छे से सोया, और अभी सुबह का नाश्ता है, बस अब ये नाश्ता करके फिर हम आगे को बढ़ जाएंगे। और सबसे बढ़िया है भाई ये है, ये उनके जो अंश के डैडी हैं उनके, ये मतलब क्या, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब नाश्ता करके थोड़ी देर के बाद अब मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा, देन आज का ये नाश्ता है मेरा। अब यहाँ से गोरखपुर का जो सफ़र है मेरा 34 किलोमीटर है, और मुझे स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। पनियारा 21 किलोमीटर, बस्ती है 63 किलोमीटर। सच में यार, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है बनारस के लिए। अब चल पड़ते हैं हम बनारस, पहले गोरखपुर निकलेंगे, फिर बनारस, गोरखपुर से होते हुए बनारस पहुँच जाएंगे। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है भाई लोगों। Actually, what inspired me most importantly that you are reaching awareness to save soil to people, and this also my dream to be part of with you. So, like, we're going to share each month's contact, yeah, and we'll touch with you, and let's see what will happen. We'll do definitely from my side. Oh, thank you, thank you so much. Nice to meet you, bro. Thank you.